झुंझुनू के उदयपुरवाटी में एक बार फिर अवैध खनन का मामला सुर्खियों में है। दरअसल पिछले दिनों बाघोली में आयरन की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा होने के बाद अब पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने एक बड़ा खुलासा और किया है। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा कि किशोरपुरा में एक रास्ता निकालने के नाम पर अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ पर पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है और अब तक इस पहाड़ से करीब 40 करोड़ रुपए से भी अधिक का पत्थर बेचा जा चुका है, लेकिन वन विभाग और खनन विभाग में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार सरकार की जगह वहां पैरेलल सरकार चलाकर अवैध रॉयल्टी के नाम पे मुंडा टैक्स वसूलते हैं। पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी एक बर्निंग इशू खड़ा हुआ कि उदयपुरवाटी में इलीगल माइनिंग करके आयरन ओर की तस्करी करी जा रही है। वही लोग उसको जैसे सरकार ने रोका, माइन डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की, वो पूरी हुई नहीं। उससे पहले ही ग्राम पंचायत किशोरपुरा में गाँव के भोले भाले ग्रामीणों को रास्ता निकालने के नाम पर एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर वहाँ से इलीगल माइनिंग की जा रही है। रात दिन पत्थर तोड़ तोड़ के झुंझुनू में गाड़ियाँ भर भर के बेचे जा रहे हैं।